क्वांटम फिजिक्स थोड़ी ना है, सिंपल सा सवाल है। जोर लगा दिमाग पर और बता बाप कौन है। सही भी नहीं पता यार किसका है, बहुत कंफ्यूजन है। उन्हें मिस्ट्री सॉल्व करने वास्ते मैं शर्लॉक ने बुलावा। पैटर्निटी टेस्ट। आई एम प्रेग्नेंट। तुझे पैटर्निटी टेस्ट करवाना है। ले बच्चा मेरा ही है और किसका होना है। तुझे बड़ा कोई ऋषि मुनि खीर खिला गया। मैं अभी बैड न्यूज़ मूवी देख के आया हूँ। मेरे को बहुत अच्छी मूवी लगी और मूवी की जो स्टोरी है वो भी बहुत अच्छी लगी। एमी विर्क और विक्की कौशल की जो जोड़ी है फर्स्ट टाइम आई है वो भी बहुत अच्छी लगी है। मतलब ये है कि मूवी कॉमेडी मूवी है, बोरिंग मूवी नहीं है, वन टाइम वॉच है, आप जरूर जाओ देखने के लिए। और जोड़ी भी तीनों की अच्छी जोड़ी है, सॉन्ग भी अच्छी है और मतलब अच्छी है, बोरिंग नहीं है। हाँ बस ये है कि थोड़ा जो एंड में जो सीरियस वाला सीन दिया गया। फिल्म कॉमेडी के रूप में अच्छी है लेकिन इसमें जो वैल्यू सिस्टम है फैमिली का वो थोड़ा एक्सेप्टेबल नहीं होगा लोगों के बीच। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ देखने वाली फिल्म तो है पर फैमिली जो है वो शायद नहीं देख पाए। मुझे फिल्म अच्छी लगी। अगर फिल्म की कहानी की बात करूँ तो फिल्म के स्टार्टिंग में आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बाद में फिल्म आपको जब समझ आ जाएगी सेकेंड हाफ में पता चल जाएगा कि स्टोरी किस ओर जा रही है। तो उसमें आपको एट दी एंड ये एक्साइटमेंट रहेगी या क्यूरियोसिटी रहेगी कि इसके बाद क्या होता है जो आपको फिल्म से बांधे रखेगा। वहीं बात की जाए फिल्म में कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी है, फनी है, कॉमेडियन मूवी है। क्या लगता है कि मूवी चलेगी विक्की कौशल की एक्टिंग तो सबने अच्छी की है, न्यू स्टोरी है बट स्टोरी भी फनी है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ये कंसेप्ट चलेगा बट स्टोरी तो स्टोरी है, एक न्यू कंसेप्ट में स्टोरी देने का प्रयास किया।